एक देश में रहता था एक राजा, उसकी थी एक रानी। बहुत खूबसूरत थी रानी कलावती, लेकिन रूप के अहंकार में उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। उसका रंग काला हो जाएगा, इसलिए सूरज की धूप में वो बाहर भी नहीं निकलती थी। शाम होने पर रानी स्नान करती थी नील सरोवर में। मैं कैसी दिख रही हूँ बताओ? बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक बात सच सच बताओगी? जरूर बताऊंगी रानी माँ। मेरे जैसी रूपवती तुम लोगों ने कभी और कोई देखी है? होगी तब देखेंगे ना। तुम मुझे खुश करने बहलाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रही ना रानी माँ? सच बोल रही हूँ। हाँ रानी माँ, सच में सच में सच में। जानते हैं महाराज, दासियां मुझे क्या कहती हैं? क्या कहती हैं रानी? बोलती हैं उन्होंने मेरी जैसी सुंदरी कोई दूसरी नहीं देखी। और तुम क्या कहती हो? क्या पता, अपने रूप की बात अपने मुंह से और क्या कहूँ बोलिए। मगर वो मुझे लगता है खुश करने के लिए ऐसा नहीं बोलती है ना? उन्होंने सच बात ही तो कही है। चलो, सुनकर खुशी हुई। मैंने भी तुम्हें ये बात खुश करने के लिए नहीं कही रानी कलावती, सच बात ही कही है। तब मैं और भी खुश हुई। अरे जरा देखो तो, सूरज डूबा कि नहीं? हाँ रानी माँ, सूरज डूब गया। अब नील सरोवर में नहाने जाऊं। हाँ रानी माँ, चलिए। कलावती नाम मेरा, खूबसूरत मैं रानी हूँ, मैं सबसे सुंदर। बात यह है जानी, मुझे देख शर्म के मारे कली भी मुरझाए रे। मेरे जैसी दूसरी ढूंढना है बड़ी नादानी। कलावती नाम मेरा, खूबसूरत मैं रानी। ईश, छी 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 छी, चांद कितना बदसूरत है, उसके पूरे चेहरे पर कितने सारे दाग। ये कलमुहा कैसे अपना चेहरा सबको दिखाता है क्या पता। मैं होती तो नदी में डूब मरती। रानी माँ आप नहाएंगी नहीं? कैसे मैं नहाऊं बोलो जरा, ये बदसूरत चांद की छाया इस नीले पानी में पड़ती है, पूरा पानी ही गंदा हो गया है। मेघ भाई, दुनिया ये बड़ी हर जाई, आओ ढक दो मुझको, किसी को ना पढ़ू दिखाई। हे भगवान, बच गई, अब मैं जी भर के नहा पाऊंगी। अरे रानी की गाल पर कैसा दाग है देखा? हाँ दिख तो रहा है। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? कहाँ कहाँ, कुछ तो नहीं रानी माँ। हम लोग बोल रहे थे कितना अंधेरा है, चांद भी तो डूब गया है ना। चांद डूब गया तो क्या हुआ, मेरे रूप का उजाला है कि नहीं? चलो चलो महल चलते हैं। हे हे राम, ये किसका चेहरा है? छी 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 छी, ये क्या, मेरा चेहरा? नहीं 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 नहीं, नहीं भरोसा नहीं होता। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा रूप, मेरी खूबसूरती।
महाराज महाराज, आपको जरा रनिवास में जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? महाराज, रानी माँ, मतलब रानी जी को न जाने क्या हो गया। क्या हो गया मतलब, कहाँ है वो? मंत्री, साफ साफ पूरी बात बताओ। जी, अच्छा हो अगर आप खुद ही जाकर देखें महाराज। क्या हुआ रानी, ये क्या रो क्यों रही हो? मेरा पूरा चेहरा कुरूप काले दागों से भर गया है। ये क्या, क्यों, देखूं जरा? ये हाथ तो हटाओ, देखूं देखूं, दिखाओ कैसे दाग हैं? देखकर आप डर जाएंगे। ठीक है, तुम कोई फिक्र मत करो, मैं अभी राजवैद्य को बुलवाता हूँ। बोलिए राजवैद्य, किस तरह ये दाग दूर हो सकते हैं? उपाय बड़ा कठिन है महाराज। इस दाग को दूर करने की दवा आपके पास नहीं है? नहीं महाराज, मेरे पास नहीं है, मगर तैयार करनी होगी। जिन तीन उपकरणों से ये दवा तैयार होगी उनका मिलना बेहद मुश्किल है। जितना भी मुश्किल हो, रानी की मुस्कान वापस लाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनिए महाराज, पहले चाहिए 12 हाथ की ककड़ी, 13 हाथ का बीज, दूसरा है सियार का दाहिना सींग, तीसरी चीज है महाराज नए देश का, नए पेड़ का, नए रंग का फूल। राजवैद, आप क्या मेरे संग मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, ऐसी उद्दंडता मुझे शोभा नहीं देती महाराज। तो फिर ऐसी सब नामुमकिन चीजें मुझसे मंगवाने के लिए कह रहे हैं, उन्हें आपने खुद भी कभी देखा है? जी नहीं महाराज। तो फिर? मैंने पोथी में पढ़ा है, लेकिन मेरा विश्वास है पोथी में जब इसका उल्लेख है तो फिर ये चीजें हैं भी। ठीक है मंत्री, कोतवाल, सेनापति और तुम खुद ये तीनों चीजें लाने का दायित्व लो। 1 महीने के भीतर मुझे ये तीनों चीजें चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। चलो रानी, बगीचे में सैर को जाएं। नहीं, ये चेहरा मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। देखो, 1 महीना तो होने को आया, इतने दिनों में तो अपने सेनापति, मंत्री, कोतवाल सब आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, कुछ मिलेगा तब तो आएगा। राजवैद्य को इसकी दवा नहीं मालूम, इसलिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये सब लाने को कहा है। ना 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 रानी ना, तुम क्या बोल रही हो, ऐसे ऐसे भरोसा नहीं छोड़ते। भरोसा रखने लायक कोई आशा तो दिखती नहीं महाराज। लेकिन मैंने तो कोई आशा नहीं छोड़ी ना रानी, मैंने तो आशा नहीं छोड़ी। तो फिर क्यों तुम ऐसे मायूस हो रही हो? बोलो कोतवाल, तुम जो लाने गए थे वो मिला? जी नहीं महाराज। क्या कहा, क्या कह रहे हो, तब लौट कर क्यों आए? मैं बहुत घूमा महाराज, बहुत देशों में गया, ऐसी कोई चीज नहीं है महाराज, मगर 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 क्या? मेरी एक ज्ञानी पत्थर से भेंट हुई। ज्ञानी पत्थर? हाँ महाराज, वो पत्थर मनुष्यों की तरह बात करता है, सबसे ज्ञान की बातें करता है। सुनो कोतवाल, तुम्हारे राजा से जाकर कहो, रानी कलावती के चेहरे पर जो दाग हुए हैं उनमें से एक दाग हट सकता है,
अगर रानी को ऐसा लगे कि उनसे भी सुंदर पृथ्वी पर कुछ है। रानी से सुंदर कुछ होगा तब ना रानी को ऐसा लगेगा। तुम किसी काम के नहीं, तुम्हें तुम्हें मैंने बर्खास्त किया। वो देखो सेनापति आ गए। देखूं जरा वो क्या कहते हैं। क्यों सेनापति, सियार का सींग कहां है? जी मुझे गलत ना समझे महाराज, जहां भी गया सियार के सींग की खोज में लोगों ने मुझे पागल कहा है महाराज। सियार के सींग नहीं होते महाराज, मगर मगर क्या? मैं एक ज्ञान वृक्ष से मिलकर आया, उसने कहा। सुनो सेनापति, तुम्हारी महारानी के मन में यदि निर्मल आनंद का वास हो, जिस आनंद से आंसू भी छलक जाएं, तो फिर उसके चेहरे से एक दाग मिट जाएगा। रानी ऐसे ही अपने मन के दुख से कातर हैं, उनके मन में आनंद आएगा कैसे? तुम भी किसी काम के नहीं, तुमको भी मैंने बर्खास्त किया। मंत्री अवश्य खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। महाराज, नए पेड़ से नए रंग का फूल लाने के लिए नए पात्र की जरूरत है। वो पात्र था नहीं तो मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा महाराज। एक एक नया पात्र याद करके नहीं ले जा सके। तुम्हें भी मैंने बर्खास्त किया। मंत्री, सेनापति, कोतवाल, सभी खाली हाथ लौट आए, कोई उपाय नहीं निकला। तुम दोनों मुझे आखिरी बार सजा संवार दो। उस नील सरोवर के जल में मैं प्राणों का त्याग करूंगी। मैं हुक्म देती हूं, मुझे सजा दो। कितना सुंदर दृश्य है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो रानी कलावती? बहुत दुखी हो? तुम्हारा रूप देखकर मन को आनंद हुआ कि आंसू निकल आए? सच बोलती हो, लेकिन तुमसे तो सुंदर मैं नहीं। मैं अब सुंदर कहां रही, कहां तुम और कहां मैं? अच्छा, आज तुम्हारे मुख पे दाग नहीं दिख रहे मुझे? दिखेंगे अभी दिखेंगे। तुम पे प्यार आ गया, तुम्हारे चेहरे का कलंक मैंने ले लिया। रानी, आज तुम नहाओगी नहीं? जी नहीं कर रहा। नील जल में अपनी छाया नहीं देखोगी? नहीं, तुम्हें देखकर ही तो अच्छा लग रहा है। एक बार ही जाग कर देखो, खुद में नया कुछ पाओगी। मेरे चेहरे का कलंक? रानी कलावती, अब तुम में कोई कलंक नहीं है, तुम्हारे सारे दाग मैंने वापस ले लिए हैं। अब तुम महल लौट जाओ, लेकिन हाँ, रूप के घमंड में और अहंकारी मत होना, भूल कर भी नहीं। याद रखना, इंसान रूप से नहीं गुण से सुंदर होता है ना? इस प्रकार रानी चांद से सुनकर अपनी गलती समझ पाई। अपने रूप को लेकर जो झूठा अहंकार उसके मन में बैठा था,
वो हमेशा के लिए दूर हुआ। उधर रानी के ठीक होने की खबर सुन राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री, सेनापति और कोतवाल को फिर से उनके पद पर बहाल किया। मेरी कहानी हुई खत्म, लड्डू पेड़े खाएंगे हम।